अस्सलामु अलैकुम, जगादो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुज़श्ता रोज़ यूरोपी पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास की है। इस करारदाद में यूरोपी पार्लियामेंट ने यूरोपी कमीशन से मुतालबा किया है कि 2014 में पाकिस्तान को जो GSP प्लस का स्टेटस दिया गया था, उस स्टेटस के ऊपर नज़रसानी की जाए। इस करारदाद के अंदर पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि तौहीन रिसालत के कानून को ख़त्म किया जाए। आइन की दिफा 295C और उसकी शिक बी दोनों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। यूरोपी पार्लियामेंट की करारदाद में ये मुतालबा भी किया गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन को तब्दील किया जाए और तौहीन रिसालत के मुकदमात को दहशतगर्दी की अदालत में ना चलाया जाए और जो मुलजमान हैं तौहीन रिसालत के कानून के, उन मुलजमान को ज़मानत का इख्तियार दिया जाए। यूरोपी पार्लियामेंट ने जो अभी पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट किए गए फ्रांस के अगेंस्ट तहरीक लब्बैक का बाकायदा तौर पे जिक्र करके ये कहा गया है कि इस किस्म के मुजाहरे यूरोप के लिए काबिल कबूल नहीं हैं और पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि इन ग्रुप्स के ख़िलाफ़, इन शिद्दत पसंद, सो कॉल्ड जो शिद्दत पसंद डिक्लेयर किए जा रहे हैं दुनिया के अंदर, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर कार्रवाई के मुतालबे किए जा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो कंपैरिजन है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर जो होलोकॉस्ट और जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो कत्लेआम किया गया, उसका जो कंपैरिजन किया जा रहा है इस्लामोफोबिया के साथ और तौहीन मज़हब और तौहीन रिसालत के मामले के साथ, वो इस कंपैरिजन को तस्लीम करने के लिए यूरोप तैयार नहीं है। यूरोपी पार्लियामेंट ने अपनी करारदाद के अंदर एक मसीही जोड़े का जिक्र किया है जिसके ऊपर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम है और एक अदालत सजाए मौत भी सुना चुकी है, मगर उनकी जो अपीलें हैं वो अभी तक पेंडिंग हैं। इस करारदाद के अंदर शगुफ्ता कौसर और उनके शौहर शफकत की रिहाई और मुकदमात को ख़त्म करने का भी मुतालबा किया गया है। ये यूरोपी पार्लियामेंट की वो करारदाद है जो अक्सरियत ने पास की है। 600 से ज़ायद मेंबर्स ने इस करारदाद के हक में वोट दिया और सिर्फ 3 वोट इस करारदाद की मुखालफत में आए हैं। अब ये बड़ा ज़रूरी है कि एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि वो इस किस्म के जो मज़हबी कवानीन हैं जो मुसलमानों के अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ख़त्म करने का मुतालबा किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान GSP प्लस का जो क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, मज़दूरों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, सहाफ़ियों को दबाया जा रहा है, अदम तहफ़ुज़ का शिकार हैं और 27 के करीब जो बैन-अल-अक़वामी एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर रियासत पाकिस्तान पूरा नहीं उतर रही। और ये कहा गया कि ये जो तौहीन रिसालत का कानून है इसको अकलियतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है इस कानून को। तो ये बड़ी बुनियादी वजूहात हैं जो बताई गई हैं। अब पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकालने के लिए तैयार नहीं हैं, यूरोप की तरफ से ये पैगाम है कि अगर पाकिस्तान ने इन कवानीन को, तौहीन रिसालत के कवानीन को एक ऐसे मुल्क में जो ख़त्म नबूवत के कानून को छेड़ने की जुर्रत नहीं कर सकता अवाम के गैज़ो गज़ब की वजह से, उस मुल्क को ये डिक्टेशन दी जा रही है कि वो तौहीन रिसालत के कवानीन को ख़त्म करे, वरना क्या होगा, वरना GSP प्लस का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं मुख्तसरन ये बता दूं कि जो जनरलाइज्ड स्टेटस ट्रेड के लिए पाकिस्तान को दिया गया 2014 में, बुनियादी तौर पे इसका मतलब ये है कि यूरोप के 27 ममालिक हैं
उन तक पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो बग़ैर किसी ड्यूटी के होगी, उसके ऊपर किसी किस्म की ड्यूटी नहीं होगी। और ड्यूटी ना होने की वजह से जो यूरोप के साथ पाकिस्तान की जो ट्रेड का हुजम है वो 64% है, और पाकिस्तान की 76% जो गारमेंट्स की टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट की जाती हैं, और इसके बदले में यूरोप से पाकिस्तान वो बिजली के आलात ख़रीदता है, मवासलात के आलात ख़रीदता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ख़रीदता है, तो इस किस्म की अद्वियात भी ख़रीदता है, तो इस किस्म की चीज़ें हम यूरोप से लेते हैं। अब एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो यूरोप जो आज हमें इंसानी हकूक बता रहा है, जो हमें गुस्ताखाना खाकों की इशात को कह रहा है कि ये आज़ादी इजहार है, इस इजहार को एक्सेप्ट करो, वो यूरोप फ्रांस के अंदर बुर्का पहनने का जो इख्तियार है एक मुसलमान खातून का, उसको आज़ादी इजहार के तौर पे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, फ्रीडम ऑफ चॉइस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि मुसलमान खातून यूरोप के अंदर फ्रांस के अंदर बुर्का नहीं पहन सकती। तो ये डबल स्टैंडर्ड हैं, माइंडसेट है आज़ादी इजहार का, कि एक तरफ हमें कहा जा रहा है कि तमस्खर उड़ाया जाए, जो मर्ज़ी किया जाए तो तुम उसको दिल पे मत लो, मगर दूसरी जानेब इतना शिद्दत पसंदाना रवैया है कि आप अपनी मजहबी रसूमात के मुताबिक बुर्का नहीं पहन सकते, हिजाब नहीं ले सकते। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है यूरोप के, जिस डेमोक्रेसी का लेसन पाकिस्तान को दिया जा रहा है, जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच और जिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का पाकिस्तान से मुतालबा किया जा रहा है, वो यूरोप ये समझने से कासिर है कि पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन है, वो आइन, वो 1973 का जो आइन है उसके अंदर मुतफिक्का तौर पर रियासत पाकिस्तान ने ये तौहीन रसालत के कवानीन को तरतीब दिया, आर्टिकल 295C जो है वो आइन पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो राइट की हैं, चाहे वो लेफ़्ट की हैं, चाहे वो लिबरल हैं, चाहे वो सेकुलर हैं, चाहे वो मजहबी जमातें हैं, वो इस आइन के इस हिस्से के ऊपर मुत्तफिक हैं, और किसी के बाप में भी पाकिस्तान के अंदर ये जुर्रत नहीं है कि वो इन कवानीन के साथ छेड़छाड़ कर सके। ये एक ऐसे मुल्क को यूरोप मुतालबा कर रहा है जिसके अंदर ख़त्म नबुव्वत का जो खाना है, अगर उसमें छेड़छाड़ की जाए तो लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते। अब जिस तहरीके लबैक की बात की जा रही है, जो फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के मुतालबे कर रही है, उस तहरीके लबैक की बुनियाद ही तौहीन रसालत है, उसकी बुनियाद ही ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ है, उसकी बुनियाद ही वो बुनियादी फ़लसफ़ा है जिसके बग़ैर किसी भी मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। यानी ख़त्म नबुव्वत का जो मामला है, जो तौहीन रसालत का मामला है, उस पर कोई मुसलमान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अब एक ऐसे, अब इमरान ख़ान साहब क्या कह रहे थे, इमरान ख़ान साहब कह रहे थे कि करारदादों से कुछ नहीं होगा, सफ़ीरों को निकालने से कुछ नहीं होगा, ट्रेड का बायकॉट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इमरान ख़ान साहब हमें कह रहे थे कि मैं यूरोप को सबसे बेहतर जानता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग यूरोप के बारे में सबसे बेहतर है। तो इमरान ख़ान साहब, उस यूरोप को समझाओ, उस यूरोप को अपनी लैंग्वेज में समझाओ, ये ना हो कि इस मुल्क के अंदर मॉब निकले और फिर यूरोप के सफ़ीरों को भागने का मौका भी ना मिले। मैं इश्तियाल नहीं दिला रहा, मैं किसी को उकसा नहीं रहा, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि लोगों के अंदर इस कदर इस बात का रिएक्शन आएगा। तो अगर आप यूरोप को समझते हैं और यूरोप ज़ुबान की ज़ुबान के अल्फाज को समझता है, उसकी अहमियत को समझता है, और वो मज़हब का एहतराम करने पे बिलीव करता है, तो उस यूरोप को पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी जमहूरियत है, जो आइन पाकिस्तान पार्लियामेंट ने वेस्टर्न डेमोक्रेसी के सिस्टम के तहत बनाया गया, उस लॉ को कोई हक नहीं है यूरोप को कि वो आकर पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की आग लगाए और इस किस्म की तीली भड़काए और लोगों के मजहबी जज्बात से खेले। अब यहाँ पर दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक बड़ा खुशाइंद कदम है कि अभी पाकिस्तान की अदलिया ने माजूर अफराद की सज़ाए मौत पर अमल दरामद को रोका है। इट मीन्स के
अगर पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की आप तारीफ कर रहे हैं तो आप इस बात के ऊपर मुकम्मल यकीन रखें कि इस लॉ का मिसयूज़ कम से कम पाकिस्तान की अदालतें नहीं होने देंगी। तो आई थिंक के जिस मुकालमे की बात इमरान खान साहब जनरेट कर रहे हैं, जिस लॉजिक्स की बात इमरान खान करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि ये यूरोप के लिए बेसूद और बेकार है। यूरोप इस फ़िलासफ़ी पे नहीं आएगा। इमरान खान साहब को भी फिर उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेंगी, बजाय इसके कि वो ट्रेड के ऊपर हमें ब्लैकमेल करें और हमारे मजहबी जज्बात से खेलें, हमें भी फिर कोई अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ना चाहिए। अब एक ऐसे मुल्क के अंदर पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि तौहीन रसालत के कानून को ख़त्म कर दिया जाए, 295C को ख़त्म कर दिया जाए, दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमे ना चलाए जाएँ, इन मुलजमान को जो तौहीन रसालत के मुर्तकिब हैं इनको ज़मानतें दी जाएँ, और जो ऑलरेडी एक जोड़े के ऊपर मुकदमा चल रहा है उनको भी रिहा कर दिया जाए। ये एक ऐसे मुल्क से डिमांड कर रहे हैं जो धरती किसकी है, गाजी इल्मदीन शहीद की, जो धरती किसकी है, मुमताज़ कादरी की। यहाँ पंजाब के एक गवर्नर ने, सलमान तासीर साहब ने, इसी तौहीन रसालत के कानून को काला कानून कहा था और फिर वो कत्ल हो गए थे। मैं उनके कत्ल को जस्टिफाई नहीं करता, मैं उस पर कोई आर्गुमेंट नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि लोगों की सेंसिटिविटी इस मामले से इस हद तक है। लेकिन मैं एक दूसरा तस्वीर का रुख भी दिखाना चाहता हूँ पाकिस्तान की कौम को। इसका तो हम दिफा करेंगे ही करेंगे, ये 295C ये नहीं ख़त्म हो सकता किसी यूरोप की डिक्टेशन के ऊपर, किसी भी मगरबी मुल्क के एजेंडे के ऊपर। कल कोई और पता नहीं क्या कुछ डिमांड करेंगे, ये तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। बट मैं दूसरी तरफ जो इस करारदाद के अंदर बात की गई है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो खौफ का शिकार हैं, इसका सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है, मुखालफीन के ख़िलाफ़ मिसयूज़ किया जा रहा है। अब पाकिस्तान में कौन सा ऐसा कानून है जिसका गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन इसका क्या मतलब है कि क्या हम कवानीन को ख़त्म कर दें? हमें उन लकूनास को दूर करना है कि ये मिसयूज़ क्यों हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, हमने सानिया गोजरा देखा, हमने सानिया जोसेफ कानूनी देखा, हमने मिशाल खान कत्ल केस देखा, हमने आसिया बीबी का केस देखा, हमने कोर्ट राधा किशन का वाक्या देखा कि जहाँ पे भट्टे में मसीही जोड़े को जलाया गया। तो हमने इस किस्म के बेशुमार ऐसे वाक्या देखे। अभी रिसेंटली चकवाल के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड ने खुशाब में बैंक मैनेजर को कत्ल कर दिया था, और ये बड़ा एक मतलब लोगों ने एक आसान कर लिया कि किसी पर भी इल्ज़ाम लगाओ और इस किस्म का वाक्या कर दो। तो आई थिंक के कानून के अंदर एक एडिशन हो सकती है, और वो एडिशन क्या हो सकती है कि अगर कोई मिसयूज़ करता है इतने मुकद्दस, इतने अजीम, इतने ज़बरदस्त कानून को अगर कोई मिसयूज़ करता है अपने ज़ाती मकासद की खातिर, तो उसके ऊपर भी यही आर्टिकल लगना चाहिए, उसको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो आईने पाकिस्तान के अंदर तौहीन रसालत के मुर्तकिब शख्स को दी जाती है। जब आप सिंबॉलिकली मिसयूज़ करने वालों को सज़ा देंगे, उनको निशाने इबरत बनाएंगे, तो ये बहुत बड़ा मैसेज होगा जो पाकिस्तान के अंदर उन तमाम लोगों तक पहुँचेगा कि जो इस कानून का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करने की और अपनी कौम को जज्बात से निकल के लॉजिकल एंड के ऊपर इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। मगर स्टिल एट द एंड ऑफ द डे तहरीक लबैक इस स्लोगन के ऊपर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर रही है, वो पाकिस्तान के अंदर तीसरी बड़ी जमात के तौर पे इमर्ज कर रही है। अगर यूरोप ये समझता है कि इस किस्म की करारदादों से वो इस किस्म के जो मजहबी ग्रुप्स हैं उनको दबा लेगा, रोक लेगा, तो आई थिंक ये यूरोप की बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस किस्म की करारदादों से तहरीक लबैक को बेनिफिट होगा, उन तमाम मजहबी ग्रुपों को बेनिफिट होगा, और अगर कोई ज़मीन तंग होगी तो वो फिर यूरोपी लोगों की होगी। यूरोप से ट्रेड करने वाले लोगों का लोग बायकॉट कर सकते हैं, लेकिन लोग इस कानून के ऊपर
इस किस्म के डिमांड्स को, अनजस्टिफाइड डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इस करारदाद को बतौर पाकिस्तानी हमें मुस्तरद करना है। ये पाकिस्तान को डिक्टेशन के, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक अवाम की अक्सरियत ने जिन कवानीन को बनाया, जिन पे इत्तफाक राय पाया जाता है पूरी उम्मत के अंदर, इसका दिफा करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। तो मेरी इस वीडियो को, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ बड़ा लाइट चल रहा है, पाकिस्तान बस मायूसी का इजहार कर रहा है, अफसोस का इजहार कर रहा है, लाइलमी कह रहा है, ये लाइलमी और ये अफसोस के इजहार की बातें नहीं है। कल को तुम कहोगे कि भाई कादियानियों को मुसलमान एक्सेप्ट कर लो, कल को तुम कहो कुछ और डिमांड ले होगे, तो भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। हाँ, जो मिसयूज़ का मामला है, जो मिसयूज़ का मैटर है, उसको रोकने के लिए कवानीन ऐड हो सकते हैं, मगर ये कानून तब्दील नहीं हो सकता, कानून ख़त्म नहीं हो सकता। ये जो डिक्टेशन है ना यूरोप की तजारत की खातिर, तजारत के लिए, ये इतनी बड़ी डील नहीं है कि पाकिस्तानी अपने ईमान के उस जुज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, जिसके बग़ैर उसका ईमान एक मुसलमान का मुकम्मल नहीं हो सकता। तो मेरी इस वीडियो को जगादो के प्लेटफॉर्म से आपने सब लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तो को पता लगना चाहिए कि यूरोप क्या डिमांड कर रहा है, यूरोपीय पार्लियामेंट क्या डिमांड कर रही है, और किस तरीके से मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है, और वो तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं होलोकॉस्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है तौहीन रिसालत के साथ, मामले के साथ, ये जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो जेनोसाइड के वाकयात जो हुए, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के ही मैटर के तौर पे देखना चाहते हैं। तो आपने इस पूरी वीडियो को हर पाकिस्तानी तक पहुंचाना है, हमने कैंपेन चलानी है, हमने कानून का और आइन का दिफा करना है, आइन पाकिस्तान का, और हम रूल ऑफ लॉ के ऊपर बिलीव करते हैं। और अगर इस कानून का मिसयूज़ हो रहा है, जिसकी निशानदेही करारदाद करने की कोशिश कर रही है, तो इस मिसयूज़ को रोकने के लिए हमने कानून के अंदर वो तजावीज़ भी लेकर आनी है, स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस भी ज़रूर करनी है कि जो मिसयूज़ का जो रास्ता है उसको रोके, लेकिन तौहीन रसालत या नमूस रसालत के मामले के ऊपर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को जगा दो JAGAADOH बग़ैर किसी स्पेस के आपने सब्सक्राइब करना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।